तारकीन वतन के हालात, वाकयात, खबरों और नए कवानीन की आगाही के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ इटली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। आज मैं इमरजेंसी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं क्योंकि आज रात जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इमिग्रेशन खुलने के, आज जो है वो जो इनकी एग्रीकल्चर की मिनिस्टर हैं तेरेसा वेलानोवा, उन्होंने कहा है कि अगर ये इमिग्रेशन ना खोली गई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी। तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी जो है वो जमा करवा दिया है गवर्नमेंट को, और आज रात बहुत इम्कान है कि इमिग्रेशन के बारे में कोई बड़ी खबर आए, क्योंकि आज रात जो है वो पार्लियामेंट में वोटिंग होने जा रही है। ज़्यादा चांसेस हैं कि इमिग्रेशन जो है वो आज रात को उसका कोई बेहतरीन ऐलान हो जाए। सिर्फ एक पार्टी जो है वो इस पे रेजिस्ट कर रही है, वो है अपना सेल्विनी की पार्टी लेगा। उसके अलावा सारी पार्टीज़ तकरीबन इसके हक में हैं। इसके अलावा पूरे के पूरे जितने भी अपने सिंधिकाती हैं पूरे इटली में, वो भी इसकी फेवर में हैं, वो भी इस चीज़ के बारे में चाहते हैं कि इसका कोई ऐलान हो और इस पे काम किया जाए। और दूसरी बात जो इटालियन मीडिया बता रहा है कि इसकी वजह से अगर ये इमिग्रेशन नहीं खुलती तो फसलें तबाह होंगी और बहुत सारी इन्फ्लेशन होगी इसमें, सब्जियों की कीमतों में भी और दूध की कीमतों में भी। तो इस हवाले से भी बड़ी गौर व फिक्र की जा रही है। आज एक जो है वो बड़ा फैसला करने की ज़रूरत होगी इटालियन गवर्नमेंट को। तो आज देखते हैं रात को कि क्या फैसला होता है। अपना तेरेसा वेलानोवा, उन्होंने बताया कि जो अभी इल्लीगल काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उनके साथ जो है वो ना इंसानी सलूक किया जा रहा है। उनको 3 यूरो 2 यूरो घंटा पे उन्हें नौकरी दी गई हुई है, वो काम कर रहे हैं, तो ये भी इंसानी कदरों के ख़िलाफ़ है। ये भी उन्होंने बात जो है वो उजागर की है। इसके अलावा जो ये परमिसो दी सजोनो, अगर ये आज ऐलान होता है कि इमिग्रेशन जो है ये खोल दी जाए, तो उसकी मियाद 6 महीने से लेकर साल तक होगी। आप अगर ये इमिग्रेशन हासिल करते हैं, आप परमिसो दी सजोनो ले लेते हैं, तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप काम नहीं कर रहे होंगे तो बाद में आपकी ये परमिसो दी सजोनो रीन्यू नहीं होगी। और जैसा ही इमिग्रेशन का ऐलान होगा तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे कि कस्तूरों को कैसे डील करना है, ताकि प्रायोरिटी पर इसको पहले काम में लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा परमिसो दी सजोनो जो हैं वो जारी की जाएँ, ताकि लोग जो हैं वो जाके एग्रीकल्चर का काम कर सकें और जो कीमतें हैं इसकी स्टेबल रहें। ये तो थी आज की इंफॉर्मेशन या अपडेट, मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।